वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एजुकेशन हब पे। मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं माई एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर सेशन 2020 से 23, पार्ट वन के ऐसे छात्र जो पार्ट वन के एग्जाम से वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। ऐसे 20,000 छात्र हैं जो पार्ट वन का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे क्योंकि उनका एडमिशन नॉन एफिलेटेड कॉलेज में, यानी कि असंबद्ध कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया था। इसी कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, लेकिन अब उनका एग्ज़ाम हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया जाएगा। तो आज की इस यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में क्या प्रिंट किया गया है, आइए उसको हम देखते हैं। देखिए, लिखा गया है 20,000 छात्रों की होगी विशेष परीक्षा, यानी ऐसे 20,000 छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उनका अब एग्ज़ाम होगा। और क्या लिखा है कि बिहार विश्वविद्यालय 20,000 छात्रों की स्नातक पार्ट वन की विशेष परीक्षा लेगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 5 कॉलेज के सत्र 2020 से 23 के इन छात्रों की परीक्षा का रास्ता खुल गया है। यानी ऐसे 5 कॉलेज थे जिनके छात्रों का एग्ज़ाम पार्ट वन का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो उन्हीं 5 कॉलेज का एग्ज़ाम जो होगा विशेष परीक्षा के तहत लिया जाएगा। और ये कॉलेज हैं महेश प्रसाद सिंह स्नातक कॉलेज, फर्स्ट है महेश प्रसाद सिंह स्नातक कॉलेज, उसके बाद गणेश राय, उसके बाद बाबा भागवत राय कॉलेज, धनराज भगत और वियोग लाल चौधरी डिग्री कॉलेज व मोतिहारी के इवनिंग कॉलेज। तो यही 5 कॉलेज हैं जिनका एग्ज़ाम जो होगा विशेष एग्ज़ाम, 20,000 छात्रों का विशेष एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इनमें 2 कॉलेजों को सत्र 2021 से 24 के लिए परीक्षा लेने का निर्देश मिला है। इन 5 कॉलेजों में से सिर्फ 2 कॉलेज को ही आगे का सत्र का एग्ज़ाम लेने के लिए निर्देश दिया गया है, यानी कि परमिशन दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।